दरभंगा शहर के पश्चिम क्षेत्र में फैले शिवंकरपुर रत्नोपट्टी बाजितपुर क्षेत्र वासियों का एकमात्र लाइफलाइन पुल महाराज जी पुल का पुनर्निर्माण हो रहा है, जिस वजह से बड़े वाहनों का आवागमन पूरे क्षेत्र में बुरी तरह प्रभावित है। इस संबंध में बताते हुए बालेंद्र झा ने बताया कि इस क्षेत्र के हजारों लोगों का बड़े वाहनों से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता सुहंकरपुर शमशान से सिमरा होते हुए मब्बी एनएच की ओर है, जो सड़क सुहंकरपुर शमशान घाट से सिमरा स्कूल तक बुरी तरह जर्जर अवस्था में है। सड़क में 2 से 3 फीट गड्ढे हो चुके हैं, बीच में कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं, कई ऑटो इस बीच में पलटी खाकर नदी में गिरी है। यह सड़क यहाँ के हजारों लोगों को निकलने का एकमात्र साधन है और कभी भी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रही है। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए एसडीओ से हम लोगों ने इस अविलंब मरम्मति कराकर मोटरेबल करने का आग्रह किया है और उनकी ओर से जल्द ही कार्य करने का आश्वासन भी प्राप्त हुआ है। मांग करने वाले में स्थानीय वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता विनोद झा, पूर्व जिला मंत्री प्रमोद सत्संगी, अनुसूचित मोर्चा के जिला प्रवक्ता दिलीप पासवान, दरभंगा नगर के प्रवक्ता विनोद राय, सुहंकरपुर वार्ड 9 के अध्यक्ष उमेश शाह आदि उपस्थित थे। सभी अपने गांव के वरिष्ठ कार्यकर्ता गण के साथ, अभिभावक गण के साथ, जो महाराजी पुल टूटने के बाद एकमात्र हम लोगों का मुख्य सड़क NH 57 से आने जाने का, बड़े गाड़ियों का एकमात्र रास्ता है, सुहंकरपुर शमशान से सिमरा होते हुए जो रास्ता है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। कई दुर्घटनाएं उस रास्ते में हो चुकी हैं, 2-2, 3-3 फीट गड्ढे हो चुके हैं। कुछ दिन पहले भी एक ऑटो पलट गया था। तो आज हम सभी ग्रामीण कार्यकर्ता भाजपा के आकर अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर इनको प्रतिवेदन दिए हैं और विकास सर से हम लोगों को आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इस सड़क को मरम्मत करा दिया जाएगा और मोटरेबल करा के चलने लायक बना दिया जाएगा। ज्ञात हो कि महाराजी पुल टूटने की वजह से सुहंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर के सभी क्षेत्रवासियों के लिए वह एकमात्र ऐसा सड़क है जिससे हम लोग बड़े गाड़ियों से आवागमन करते हैं। उस स्थिति में यह एक लाइफ लाइन सड़क है जिसका जर्जर होना हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही कष्टप्रद है। जिस समस्या के समाधान के लिए हम सभी ग्रामीण अभिभावकों और कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रतिवेदन दिए हैं। दरभंगा में भी चलेगा मेट्रो, दरभंगा जिला वासियों का सपना पूरा होगा। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की हम दरभंगा के लिए सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 जून गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में कई अहम फैसले सामने आए हैं। नगर विकास और आवास विभाग के बिहार के 4 महत्वपूर्ण शहरों में मेट्रो ट्रेन चलने का फैसला लिया है, जिसमें बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर, इन 4 जिलों में मेट्रो चलाया जाएगा, जिसके लिए आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। वहीं आयोजित कैबिनेट की बैठक में नौकरी, रोजगार से लेकर खेल विभाग में सचिवालय एवं निदेशालय स्तर के लिए विभिन्न कोटि के कुल 98 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल कलर की गठन की स्वीकृति दी गई है। कुल मिलाकर 22 एजेंट पर मोहर लगी है, जिसमें सबसे अहम और दरभंगा के लिए बड़ी बात यह है कि दरभंगा में अब मेट्रो चलाने की स्वीकृति दी गई है। जिला परिषद दरभंगा के सभागार में मिहिर कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग बिहार के द्वारा जिला परिषद के सम्मानित सदस्य को जिले के विकास के लिए योजनाओं को तेजी से क्रियान्वयन करने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं आयोजित बैठक में मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि 72 करोड़ रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं, 15 वित्त आयोग में और 47 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं सिस्टम वित्त आयोग में। इसके अलावा पंचम वित्त आयोग में भी राशि पड़ी हुई है और यह राशि बैंक में पड़ी है, जबकि इसमें योजनाओं पर काम होना चाहिए, तो इससे लोगों का जो अधिकार है वह छिन रहा है। जिला परिषद के सदस्यों से कहा कि जितने भी सदस्य हैं वह सभी लोग आपस में मिलकर बैठक करें और योजनाओं को सेलेक्ट करें। मैंने निर्देश दिया है कि जो भी योजनाएं यहाँ पर है जल्द से जल्द एस्टिमेट बनाई जाए और एस्टिमेट बनाकर योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाए। मैं बहुत हम लोग को खुशी है कि वास्तव में अब गतिरोध खत्म हो गया, नई अध्यक्ष महोदय आ गई है श्रीमती सीता देवी जी, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि 72 करोड़ रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं 15वें वित्त आयोग में और 47 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं सिस्टम वित्त आयोग, इसके अलावा पंचम वित्त आयोग में भी राशि पड़ी हुई है।
यह राशि बैंक में पड़ी हुई है जबकि इसमें योजनाओं पे काम होना चाहिए था, तो इससे लोगों का जो अधिकार है वो छिन रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिला परिषद के जितने सदस्य हैं वो आपस में मिलकर बैठक करें और बैठक करके और योजनाओं का सिलेक्शन करें। मैंने निर्देश दिया है कि जो भी योजनाएं यहां पर हैं उनको यथासंभव जल्द से जल्द एस्टीमेट बनाया जाए और एस्टीमेट बना के योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाए, कार्यान्वयन के बाद उनका पेमेंट कराया जाए। एक दूसरी बात है कि जिला परिषद में कर्मियों की कुछ इंजीनियरिंग के कर्मियों की कमी है, कुछ क्लर्क वर्क में भी और बाधियां हो सकती हैं जिससे कि काम तेजी से हो, तो उन चीजों में भी प्रक्रियाएं यहां पर नोन है। आज जब इलेक्शन खत्म हो गया है तो इसमें भी शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरी बात कही गई, एक मिनट जरा सर यही है, वह है कि राजस्व के जितने भी साधन है जैसे सैराट है उनको बंदोबस्ती सही समय पे होनी चाहिए जिला परिषद के, और जिला परिषद के द्वारा 18 प्रखंड है तो सभी प्रखंडों में जनता के लिए बस की सुविधा हो, इसके लिए चाहे जिला परिषद की जमीन पे या था सरकारी जमीन पे काम हो। अन्य भी जो आयुत्पादक चीजें हैं जो लोगों की मदद के लिए है, उदाहरण के तौर पे विवाह भवन इत्यादि, उस पर भी बिल्कुल काम होना चाहिए। जिला परिषद के सदस्य जब दरभंगा में मिलकर काम करेंगे तो दरभंगा जिले का विकास होगा, और जो अभी जो करीब 1-1.5 साल से दरभंगा जिले में प्रगति अवरुद्ध रही है वह प्रगति आगे बढ़ेगी और जो अवरुद्ध है वो। ये बैठक किसके साथ? आप दरभंगा के SSP जगन्नाथ रेड्डी की अध्यक्षता में नगर थाना दरभंगा में पुलिस पदाधिकारी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित बैठक में पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त, विधि व्यवस्था से लेकर अपराधियों पर नकेल कसने और ऐसे लोगों को चिन्हित कर धरपकड़ करके वारंटी की गिरफ्तारी और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं आयोजित बैठक में दरभंगा के सिटी SP शुभम आर्या, दरभंगा की ग्रामीण SP काम्या मिश्रा सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी और थाना पदाधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक समाप्त होने के बाद BTN न्यूज के ने दरभंगा के SSP जगन्नाथ रेड्डी से बात की तो उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि अभी जो चुनाव खत्म हुए हैं उसके बाद हमारा जो अनुसंधान का प्रक्रिया है उसको और तेज करना है। चुनाव खत्म हुए हैं उसके बाद हमारा जो अनुसंधान का प्रक्रिया है उसको फास्ट करना, तेज करना, और जांच का प्रक्रिया जो आता है, पब्लिक जो आते हैं उनको सारा पहले कागज में उनके करना है, पंजी में अपग्रेड करना है, जो पेंडिंग अभी इलेक्शन करता है कुछ पेंडिंग है उसको अपग्रेड करना, अपग्रेड करने के बाद पूरा जो हमारा जो BJP सर का निर्देश है, तो 5 प्रण है उनके तहत जो भी निर्देश है उसको हम लोग पास करने की कोशिश करेंगे, और जो Mission 75 है जो अनुसंधान में से अनुसंधान जो केस जो होता है अनुसंधान को 75 डेज के अंदर उसको खत्म करना है। जो भी पब्लिक अगर यहाँ आवेदन देता है उसको 14 दिन में उसको जांच करके आवश्यक कार्रवाई करना है। पासपोर्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन, RTI जो भी है समय सीमा के अंतर्गत उसको खत्म करना है। समन्स वारंट इख्तियार करके जो केस डायरी जो माननीय न्यायालय द्वारा मांग किया जाता है उसको समय पे भेजना है। बहुत सारा पॉइंट्स है, हम इनको अभी बता दिए हैं और अभी थाना में ऑफिसर लोग बढ़ गए तो हम लोग इनसे बोले कि अनुसंधान और व्यवस्था को तो चेंज करना, पदाधिकारी को चिन्हित करके अनुसंधान को तेजी लाने के लिए मदद मिलता है। इसलिए हम लोग आज बैठक करके इनको निर्देश दिए हैं और 10 दिन समय दिया गया है ताकि 1 तारीख से हम लोग जो नया कानून स्टार्ट हो रहा है वो हम लोग सही तरीके से अपडेटेड होते हैं। सर जब से आपने इस तरह की बैठक से सर निकल के आता है कि नहीं, कुछ से जनता की समस्या है या सब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सभी पब्लिक आते हैं तो अप्रिशिएट भी करते हैं। सर जब से आपने कार्यभार संभाला है और जिस तरीके से पुलिसिंग में यहाँ सुधार देखने को मिल रहा है, आप जब आकलन करते हैं तो क्या लगता है कितनी कामयाबी आपको मिली है सर? तो जब जैसा आप लोग बता रहे हैं सुधार हुआ तो इवन आपका प्रेस मीडिया वाला भी आता है हमारे पास और पब्लिक भी आता है, जनप्रतिनिधि भी आते हैं वो बोलता है कि हाँ पुलिसिंग सुधार हुआ दिखता है अभी, और पब्लिक का भी सुनवाई ज़्यादा अच्छा हो रहा है थाना में, ये अप्रिसिएशन मिल रहा है पुलिस को तो हम लोग उसी अप्रिसिएशन लेके इंस्पायर होकर फिर हम लोग अच्छा और बेहतर काम करें। बावजूद उसके भी कहीं कुछ कमियां रह गई हैं जैसा कि एज ए पत्रकार हम लोग नोटिस करते हैं, जो भी कमी आए फिर उसको सुधारने के हम लोग जो कुछ फीडबैक भी मिलता है जहाँ जहाँ कमी है और उसको हम लोग उसको भी दूर करते हुए
आगे बेहतर हम लोग काम करें। सर ये थाना प्रभारी जो इंस्पेक्टर लेवल पे हैं सभी, इसका क्या फायदा मिल रहा है कि नहीं पुलिस विभाग को खासकर जो मिल रहा है कि ज़्यादा इंस्पेक्टर लोग मिला है उनको समीक्षा में रुझी हो रहा है कि अनुसंधान तेजी गति से बढ़ेगा। अभी ये लोग समीक्षा करेंगे, इनको जिम्मेदारी दिया जा रहा है इंस्पेक्टर लोगों को कि सब जाके अनुसंधान का जो हमारा फाइल्स है उसको तेजी से मूव करने में मदद करें। एक चुनौती जरूर है पुलिस को क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं दुख दर्द में आते हैं तो उनके साथ बेहतर बात करना है या फिर उनके साथ बेहतर सब उनको बता दिया गया। एक सोशल इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट होता है पुलिसिंग में सर, तो क्या उसका भी पालन हो रहा है? हाँ, उनको भी बता दिया गया कि पब्लिक के साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, सारा चीज़ बता दिया। धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व रायबरेली से नव निर्वाचित सांसद राहुल गांधी का 54वां जन्मदिन बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा ने केक काटकर राहुल गांधी के दीर्घायु होने की कामनाएं की। इस अवसर पर उन्होंने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हजारों किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके उन्होंने देश की जनता का दिल जीत लिया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब खत्म होने लगी है। इस आयोजन की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने की। मौके पर पूर्व मेयर अजय कुमार जलान, प्रदेश प्रतिनिधि राम नारायण झा, जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद असलम, प्रदेश प्रतिनिधि रियाज अली खान, मनोज झा, दयानंद पासवान, प्रतीकांत झा, नवीन झा, नारायण यादव, दिलीप महतो आदि उपस्थित थे। और नौजवान के महिलाओं के और सभी तबके के लोगों के एक नेता के रूप में है हमारे भी, और आप देख चुके हैं आज पूरा देश उनको अपने में समर्पित पा रहा है। मैं समझता हूँ किस तरह से उन्होंने पूरे देश में घूम करके यहाँ की जनताओं के समस्याओं को देखा है, उनसे अपना नाता जोड़ा है, उनसे संवाद किया है। मैं समझता हूँ कि इसका कोई दूसरा उदाहरण पूरे देश क्या पूरे विश्व में नहीं है। हम तहे दिल से अपने तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से उनको पूरा आशीर्वाद भी देते हैं बड़े होने के बाद, और आशा करते हैं निकट भविष्य में वो देश का नेतृत्व करेंगे और हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे। हमारे जन्म के लिए देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का 54वां जन्म दिवस के अवसर पर हम कांग्रेस परिवार की ओर से दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में हमारे जन्म प्रिय नेता डॉक्टर मदन मोहन झा के नेतृत्व में उनका जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं राहुल गांधी की जीवन दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं, और राहुल गांधी की जो विचारधारा है, राहुल गांधी जो देश में विचारधारा लाना चाहते हैं, देश की समस्या को निदान करना चाहते हैं, जो नए ढंग से 21वीं सदी का गठन हो और सब लोगों को इस भारत में समान अवसर मिले, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको विकास मिले, उनकी सफल नियोजन के लिए हम सब कांग्रेस परिवार की ओर से उनका हम इस जन्मदिन के अवसर पर उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दरभंगा स्थित हजरत भीकर शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ दरगाह पर आज से सालाना 375वां उर्स का शुरुआत अकीदतमंदों का पहुंचना शुरू हुआ। वहीं मेला जैसा नजारा देखने को मिला। देश के विभिन्न जगहों से अकीदतमंद यहां पहुंचते हैं, बाबा के मजार पर नजर आते हैं। शहर के मिशेटोला दिग्गी पश्चिम स्थित महान सूफी संत हजरत मखदूम भीकर शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आज गुरुवार 20 जून से 375वां उर्स शुरू हो गया है। हर साल आयोजित होने वाले इस उर्स में संपूर्ण मिथिलांचल के अलावा पड़ोसी देश नेपाल के श्रद्धालु हजारों की संख्या में रोजाना सुबह से देर रात तक मजार पर चादर चढ़ाने व मन्नत मांगने आते हैं। भीकर शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत के इस मजार पर सभी धर्म के लोग आते हैं और अपनी फरियाद लगाते हैं। यह उर्स हर साल इस्लामी महीना ईद उल अजहा की 13 से 17 तारीख तक आयोजित होता है, जो इस साल 20 जून 2024 से लेकर 24 जून तक 5 दिवसीय उर्स का आयोजन चलेगा। अकीदतमंदों की भीड़ से दरगाह परिसर और आसपास के क्षेत्र में मेला सा नजारा दिखता है।